हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप सब लोग तो ठीक ही होंगे आई होप, और आप ठीक ही रहो, अच्छा रहेगा। और मौसम भी देखो, अभी पानी बरसा था, अब धूप निकल रही है। कौन आए? चाचा आए, गोहियत पत्ता लेके आए चाचा। बना ही रहे थे मम्मी, कुछ बनकर तुम कुछ ले लेते। अच्छा ठीक है, ऐसे जरूर करते हैं। मिठू पता नहीं क्या है, चिल्ला रहे हैं। मम्मी लो पत्ता घुइया के, ये तो अच्छे हैं। और अच्छे हैं ना, तुम ना कह रही थी कि वो कल वाले बना लेंगे, ताजे ना है। ताजे है एकदम घुइया के पत्ता। हाँ तो पोंछना ना, जे धो ले वरना निशान पड़ जाएगा। मम्मी तो बना रही हैं कड़ी, नहीं पकौड़ी बन रही हैं अभी, और चाय भी बना रही हैं साथ में, कढ़ी का इंतजाम भी कर रही हैं। आज कढ़ी चावल बनेंगे, पकौड़े बन रही हैं। अभी तो मैं नहा के आई हूँ एकदम। माओ बैठे हैं, पता नहीं माओ क्या देख रहे हैं। माओ माओ हेलो बोलो, हेलो माओ, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो गाइस, माँ बोला करो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो माओ। माओ थप्पड़ नहीं खाता है, माओ मेरा अच्छा बच्चा है। माओ थप्पड़ खाएंगे? माओ माओ बोलता हेलो गाइस, माओ बोलता हेलो गाइस। क्या खाया माओ ने बताओ दो, माओ ने क्या खाया बच्चा? अभी दूध पिया है माओ ने, दूध तो पिया है अभी। नाग देवता और नाग देवता, मम्मी सुबह सुबह जाती हैं और वहाँ पे दूध लेने, तो ये देखो तुरंत जब मम्मी आती है तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें भी दूध दो, हमें भी दूध पियेंगे। मम्मी के पाए पकड़ लेता है ये, हाँ जब दूध पिएगा तब छोड़ेगा पाँव। लाइट आ गई, अभी बाल मैंने अच्छे से नहीं बांधे, ऐसे ही बांधे, अभी बांधूंगी अच्छे से, सब खराब हो चुके हैं। इधर उधर चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा, फिर बाद में कि सब सेटेट हो करेंगे। तो गाइस हमारे चाय और पकौड़ी आ चुकी हैं, और साथ में शीजवान चटनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और माओ का देखा नहीं गए, तो पहले तुम देख रहे आते, तुम्हें हर चीज़ मिलती, फिर भी तुम्हें कमी है। इनको भी मम्मी दे ला के, हाँ सब। तो मम्मी कढ़ी बना रही, बुला रही, ये तो कढ़ाइया में डल चुकी हैं पकौड़ी। हाँ आज वो बुआ के लड़का छोटा है, वो आज पैदा हुआ था भैया, आज जन्मदिन है उसका, आज उसका जन्मदिन है। 16 जुलाई को बुआ को था, 28 जुलाई उनके बेटे का। तो उनकी खुशी में कहा तुम कढ़ी बना रही हो, अरे पनीर सब्जी पूड़ी जे बनाती बारी हम, मैंने जब तुम जय बनाई है, हाँ छठी में सब बनते हैं, बना ले रहे। तो आज के दिन पक्का खाना बनाते, तुम भी मारे बनाएंगे। गाइस हमारा खाना आ चुका है, खाने में हमारा कढ़ी चावल, और हम कढ़ी चावल खाएंगे। तो अभी हम छत पे आए हैं क्योंकि नीचे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा अच्छा छत पे चले। छत का मौसम देखो, मौसम बादल बन रहे हैं धीरे धीरे, और माओ भी हमारे लेट पे हैं। माओ भी मजा ले रहे हैं, मक्खी देखो यहाँ पे आके बैठ गई, यही हो रहा है। तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर भी कब तक चला, हमने कहा इन्वर्टर की भरोसा नहीं है लाइट का, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है लाइट, तो थोड़ा रहना चाहिए उसमें भी बैटरी। दोपहर भर चलता रहा, हमने कहा छत पे चलते हैं, आज छत पे आए हैं, छत का थोड़ा मौसम ये तो दिखाते हैं यहाँ आजकल का आसपास क्या हो रहा है। तो माओ तो हमारे यहाँ लेटे हैं, बहुत तो कुछ बोलेंगे नहीं आपको, जैसे पता भी है कुछ नहीं बोलते। ये तो पेड़ खड़ा है, और यहाँ पे अम्मा हमारे घर आ रही हैं लगता है। अरे पोटरे साहब खड़े क्या आप पोटरे? क्या बात, कैसे खड़े? अच्छा जो कुत्ता पिल्ला सब शाम को बाहर लेटे, कुत्ता पिल्ला सब शाम को बाहर लेटे हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह फोटो भी खींच ले भैया साथ में।
कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ऐसा नज़ारा कभी कभी मिलता है यहाँ पर भी, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सब लोग बैठे हुए हैं और हम भी। तो गाइस अब शाम हो चुकी है और शाम की चाय भी आ चुकी है बनके, चाय के साथ साथ आज मैगी भी है। तो गाइस हमारी मैगी बन के भी आ चुकी है और चाय भी बन के आ चुकी है। माओ के लिए आलू चटनी, पैसे उसमें आलू तो पता नहीं, दिखते भी नहीं आलू कहाँ पर है, और नाम है आलू की चटनी। माओ खा लो, तुम्हारी है ये, हाय कह दो खा लो तभी खाए वो, ऐसा ना खाए वो, बहुत समझदार पिल्ला है, समझदार पिल्ला है। बोलो तुम्हारा पेन यहाँ रह गया था कल, ठीक है हाँ दे देंगे, आज हम लिख लेंगे तो दे देंगे। बहुत माओ किताब किताब संभालो, अच्छा तो लाली कहाँ है, लाली नहीं आई, उनका भी टाइम ही नहीं हुआ, वो देर में आएंगे। जब बुला के लाके जल्दी चला जा, मोल बुला के ले आ जा, जल्दी जा। ओ खोत में लड़ाई हुई है, भैया भैया आगम आज लाल एक तबीयत खराब है, आज लाल एक तबीयत खराब है, सूजी है पढ़ा दवाई लगा लगा हाँ, से जहर मर जाएगा, कीड़ा ने काट लो से सही हो जाओ, रहने दो ना, वो तो गुस्सा है वहाँ बच्चन को, बच्चन तेरे बैठा ना तो अम्मा बेरे डुला रही, गर्मी लग रही हाँ तो आई फोटो हम खींच लें, अम्मा डुला रही बेना, पुलिस हाँ आएंगे कोई काम से, चल हट बदतमीज इंसान, इंसान नहीं सॉरी कुत्ता, बहुत बदतमीज है, चटाई पाक के चटाई जैसे बिछेगी बच्चों के लिए, अपने आप भाग कर आएंगे यहाँ बैठेंगे चटाई के ऊपर बैठ जाएंगे, हमें भी बैठा हो, ये देखो क्या किया माँ ने, रोज ठीक करो, रात में बैठे तो पूरा सब नाश करके रखा, कुछ नहीं कितनी बार भी संभालो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रखेगा ये तो, बहुत बताइए तुमसे जिंदगी जिंदगी नहीं बोलेंगे, क्या देख रहे हो ऐसे, हाँ तो गुस्सा हुआ है गुस्सा बैठना है तो पढ़ाए बच्चों की, इनको गुस्सा देखें हम। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कल आपको कि घुइया की जड़ की सब्जी बनी है और देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, सब लोग बता रहे थे कि हाँ बहुत टेस्टी लगती है खाने में, पर बता दें हमने कल जैसे ही एक और खाया रोटी के साथ, इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, फिर जो कल की सब्जी रखी थी फ्रिज में वही उठा के ला के खानी पड़ी, और दही भी खाया फिर साथ में, हमने कहा क्या करें, दही तो वैसे भी था साथ में, फिर क्या कहते सब्जी जिसकी की फ्रिज में रखी थी दूसरी तो वो खा ली थी, और इतना मम्मी ने बनाए थे इतने अच्छे से, इतना मसाला तेल सब ख़राब चला गया, इतनी ख़राब सब्जी बनी, मतलब सब चीज़ इतना अच्छा पड़ा है, इतने तेल मसाले हर चीज़ देखने में थोड़ा सा बहुत अच्छी होगी पर नहीं, उतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एकदम घास जैसी सब्जी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इतना सब कुछ जा रहा तक कि चटपटी लगे खाने में, चटपटी भी नहीं थी, पता नहीं मतलब बनाया तो मम्मी ने बहुत अच्छे बनाया था पर टेस्ट नहीं आया उसमें, सब बोलते कि धरती के फूल जो होते हैं वैसे कि उनसे भी अच्छी बनती है ये, वो भूल जाओगे ये खाओगे तो, पता ही अच्छी नहीं लगी, मम्मी ने पूरी 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 सब्जी भगोना भर के कढ़ैया भर के बनाई थी, सब फेंक दी, कुत्ते बाहर थे कुत्ते उनको खिला दिए, और माऊ देखो बैठे, हमारे माऊ बैठे हैं, मिट्ठू बाहर चिल्ला रहे हैं, माऊ कितना सोओगे भाई, कभी कभी उठ भी जाया करो, मिक्सी जला रही मम्मी तो कितनी आवाज़ आ रही है, अब क्या करें भाई इस टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आवाज़ मिक्सी की भन आ रही है, आने दो, मिट्ठू तो बाहर चिल्ला रहे दिख रहे होंगे, अच्छा और भी तोते आए हुए ना तभी चिल्ला रहे हैं, देखे कौन से तोते आए हैं बाहर, बाल देखो
चिमटे चाहे जितने भी लगा लो, पर कोई इधर बाल निकल आएगा, उधर बाल निकल आएगा, छोटे छोटे बाल है ना तो वो निकल आते हैं। कितना भी संभालो, सींग की तरह कहीं से निकल आएगा और कहीं से निकल आएगा, कितना भी संभालो। और गर्मी में कौन चोटी बनाए, चोटियाँ बनती है फिर यहाँ से बाल निकलते हैं, यहाँ से बाल निकलते, इतनी गर्मी लगती है। तो जब तक गर्मी रहती है हम लोग गर्मी में जूड़े बनाते हैं, जूड़ा बना के रहते हैं ताकि गर्मी ना लगे ज़्यादा। मिट्ठू से थोड़ा बतियाते हैं, देखो ऐसे बतियाओगे तो तुमसे हम बात नहीं करेंगे, ऐसे बोलोगे तो हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलो हटो। तो गाइस देखो छोटे छोटे नींबू हैं, ये आपको दिखाएं, इतना छोटा पेड़ है नींबू का ये वाला। और देखो इसमें फूल भी आ गया, ये छोटी इनको देखो, छोटा सा एक हमारा नींबू भी लगा है, छोटा सा एक, कितना प्यारा लग है। और ये और क्योंकि छोटे पेड़ है ना, ये छोटा पेड़ वाले नींबू है, ये इनको नारंगी नींबू तो बोलते हैं। ये तो भैया ये वाला बहुत बड़ा था, ये वाला जिमी कंध देखो, इतने बड़े बड़े हुए गए भैया, नहीं कटवा दे ना, झाड़ है झाड़ में नहीं, ठीक है बरसात है खुदेंगे तो ऊपर से इनकी वो पत्ता तो हटा दो। अरे तो फिर झाड़ यहाँ पे इतनी है, पैदा तो है पर मतलब फिर भी नीचे साफ करवा लेंगे जिम्मी का। हाँ नीचे साफ करवा दी हूँ, दिवाली में बनते, दिवाली दिवाली पे तो बनते हैं, पर फिर भी मतलब कि सांप कीड़ा लग रहा है, सुंदर तो है काहे के पेड़ झाड़ी इतनी भारी दे हो तो कितने बड़े ऊंचे। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।